हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, सब्जेक्ट मैथ एडिशन पार्ट। एक पार्ट है एडिशन, जो आप बचपन से अच्छे से करते आए होंगे, बट उसमें आपको थोड़ी सी देर लगती होगी। तो मैं आपके लिए एडिशन की ट्रिक लेकर आई हूँ, जिससे आपका फटाफट से एडिशन हो जाएगा। और जैसे कि हम नॉर्मली एडिशन कैसे करते हैं, ये ऐसे नंबर होता है, ये नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं और उसके नीचे ये नंबर लिख लेते हैं। एडिशन करते हैं, 2+1 3 करते हैं, 4+3 ऐसे करते हैं। और अगर कैरी आया तो 1 कैरी 1 कैरी, ऐसे बहुत देर लग जाती है। और कभी कभी कैरी नहीं हुआ प्रॉपरली तो आपका आंसर भी गलत हो जाता है। फिर यहाँ पे नो कैरी की झंझट है, यहाँ पे कोई भी कैरी नहीं करना है। डायरेक्ट हमें आंसर निकला है 4+1 कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो 05 लिख लेना है, 50 नहीं लिखना है, 2 डिजिट करना है। यहाँ पे हमें कन्वर्ट कौन सा भी नंबर हो, 2 डिजिट करना है। जैसे कि 11 आया तो 11 तो 2 डिजिट है, तो उसको तो नहीं कर सकते, तो 11 लिख लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 05 नहीं लिखेंगे, जिससे वैल्यू चेंज हो सकती है। फिर है 2 और ये 2, 2+2 4, तो 5 के नीचे लिखना है 0 और यहाँ पे 4, ये हो गया 2 डिजिट नंबर, ये भी हो गया 2 डिजिट नंबर। ऐसे ही 2 डिजिट नंबर से हम लिखेंगे। फिर है 3 और 4, 4, 5, 6, 7, 7 भी एक सिंगल डिजिट है, उसे हमने 2 डिजिट में कन्वर्ट कर लिया, 0, 7 लिख लिया। फिर है 1 और 2, ये लास्ट नंबर है, 1+2 3 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0, 3। और इनका अभी हमें प्लस करना है, कैरी कुछ भी नहीं है, कैरी यहाँ पे आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे 3, फिर ये 7, 7+0 7, 4+0 4, 5+0 5 और ये 0, ये आ गया आपका आंसर। फिर 5473 इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। देन और एक एग्जांपल से हम समझेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एक कौन सा भी आप एग्जांपल ले लो, 4, 7, 6, 2, 1 ले लेंगे प्लस, और सिक्स ले लेंगे 8, 2, 9, 1, इस तरह से आप कौन सा भी एक नंबर ले लो। फिर यहाँ पे 7+8 कितने होते हैं, 15 होते हैं, तो 15 ही लिखना है। यहाँ पे नो 0, 0 नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 2 डिजिट है। तो फिर इसके नीचे है 6+2 6, 7, 8, 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम 0, 8 लिखेंगे, यहाँ से 0, 8 नहीं लिखेंगे, 5 के नीचे लास्ट डिजिट के नीचे से स्टार्ट करेंगे 0, 8, ये सेकंड डिजिट है, तो इसको डबल डिजिट किया। फिर 2+9 कितना होता है, 11 होता है, फिर यहाँ पे 11 ही लिखना है। यहाँ पे हमें कुछ 0 नहीं देना है, फिर क्योंकि ये 2 डिजिट है। फिर 1 और 1 कितने होते हैं, 2, तो यहाँ पे 0, 2 देंगे, ये सिंगल डिजिट है, तो इसको डबल डिजिट किया। सभी डबल डिजिट करने के बाद इसका प्लस करना है, 2 ये 1, 8+1 9 ये 5 और ये 1 आ गया आंसर। जल्दी से कैसे आया, इस ट्रिक से आया। तो फिर और एक एग्जाम्पल देखेंगे, हमने यहाँ पे क्या देखे, 4, 4 यहाँ पे भी है, 4, 4 4 डिजिट बाय 4 डिजिट तो नहीं है ये ट्रिक, कौन सी भी एडिशन आ सकती है, 2 डिजिट भी आ सकती है, 4 डिजिट भी आ सकती है, 5 डिजिट और ज़्यादा भी आ सकती है, जिसको आप इस ट्रिक से जल्दी से सॉल्व कर लोगे। एक और एक एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि है 2, 7, 3, 1+9, 2 ये हमने एग्जाम्पल ले लिया, ये 4 है, ये 2 है, अब इसका कैसे करें, 2+9 कर दे नहीं, तो 2+9 करेंगे तो अपना आंसर ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम 92 को, ये 4 डिजिट ये 92 से बड़े हैं, तो यहाँ पे 92 के सामने 2 0 लगा देंगे। फिर क्या होगा अपना 7, 2, 7, 3, 1 ये नंबर एज इट इज रहेगा, और ये 92 के सामने हमने 0 लगाए थे, वैल्यू चेंज नहीं हो रही है और अपना आंसर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है 0, 0, 9, 2। यहाँ पे अगर 5 डिजिट होंगे और यहाँ पे 2 डिजिट होंगे तो क्या करोगे, इसके सामने 3 0 लगाओगे, जिसकी इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी और आपका आंसर भी आ जाएगा। अभी इसको कैसे सॉल्व करना है, 2+0 2, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा,
लिखना है, 0 2 लिखना है, 2 0 नहीं लिखना है, फिर है 7 प्लस 0, 7 तो 0, 7 लिखने में हो गया, फिर नेक्स्ट है 3 प्लस 9, 9, 10, 11, 12, 12, तो 12 तो 2 डिजिट है, तो इसका कुछ 0 का नहीं होगा, तो फिर 12 लिख लेना है, और लास्ट है 1 और 2, 1 और 2 कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो यहाँ पे 0 और 3 लिख लेना है, और इसका आंसर आपका आ गया, इसका प्लस करना है बस, 3, 2, 7 प्लस 1, 8, 2, 0, हो गया आपका आंसर इसका भी। तो ये ट्रिक आपकी हर डिजिट में यूज होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी